नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने संधि के विषय में जाना था, आज की कक्षा में हमने समास का प्रकरण जो है उसको आज हम पढ़ेंगे, जो हमारे कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण में जो समास है उनके हम आज की कक्षा में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जाइए देखते हैं। समास की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है समास, ठीक है ना दोस्तों, समास। समास तो समास जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन देखते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गय प्रत्यय करने पर समास शब्द का निष्पन्न होता है, तथा इसका क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। तो समास का जैसे संधि विच्छेद अपन करते हैं तो समधन अस, समधन अस, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, समास। समास इसकी उत्पत्ति मतलब सम धातु, सम उपसर्ग अस धातु और गय प्रत्यय से हुई है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो अर्थ है वो क्या है, संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि किसी भी चीज को संक्षेप में बताना या मिला करके जोड़ करके बताना, ठीक है दोस्तों। ये हमारे समास का क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, देखिए समास की परिभाषा जो है वो क्या है, ये देखिए, ठीक है ना दोस्तों। समास की जो परिभाषा है वो है संक्षेप अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है, यानी कि संक्षिप्तीकरण करना, किसी भी पदों को मतलब मिलाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और अर्थात जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, समास कहते हैं, मतलब संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है, और अनेक पदों का एक पद हो जाना भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर के, यानी कि जब कई पदों को मिला करके एक पद मिलाते हैं तो भी उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी परिभाषा होगी, जैसे सीतया पति, तो ये क्या हो गया, ये दो पद हो गया अलग अलग, ये क्या हो गया, दो पद हो गए दोस्तों अलग अलग, सीतया पति में क्या हो गया, दो पद हो गए, है ना। तो इसका एक पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, सीतापति, इसका एक पद क्या बन जाएगा, सीतापति। यहां पर सीता जो है, सीता और पति क्या है, दोनों अलग अलग पद हैं और एक मिल करके सीतापति, मतलब सीता और पति मिलकर के सीतापति एक एक पद को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, वही क्या हो गया, हमारा समास हो गया। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि समास जब होता है ना तब उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे का जैसा, सीताया पति तो सीतापति, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। जो अर्थ सीताया पति, सीता का पति, इस विग्रह युक्त वाक्य का अर्थ है, वही अर्थ सीतापति इस समस्त पद का, समस्त शब्द का है, यानी कि सीताया पति का जो अर्थ है वही क्या है, इस समस्त जो वाक्य है उसका भी अर्थ है, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक अर्थ समझ में आ गया, यानी कि एक पद जब दो पदों को मिलाते हैं तो भी समास हो जाता है ना, और समास में कोई भी पद क्या होता है, मतलब कोई भी पद में अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारे समास में। जैसे सीतापति को उदाहरण दे दिया, तो सीतापति क्या है, दोनों अलग अलग पद है, तो इसको सीतापति हमने बना दिया, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं,
पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप, पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप। तो सीतया पति, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, सीता पति। ठीक है, इस विग्रह में सीतया पद में कौन सी विभक्ति है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति है। सीतया पद में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। सीतया में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना दोस्तों। और पति पद में प्रथमा, प्रति पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना दोस्तों। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हम इन इसका समास करेंगे तो इन दोनों विभक्तियों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाता है। इसके बाद सीता पति इस समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है, यानी कि इसी प्रकार सीतापति जो है ना उसको समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। इसी प्रकार सभी जगह यही, मतलब कि सभी जगह ऐसा ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है। समास युक्त जो शब्द है उसको क्या कहेंगे हम, समस्त पद कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सीतापति, तो ये क्या हो गया, ये समस्त पद हो गया। समस्त शब्द का अर्थ, समस्त शब्द का अर्थ समझाने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सीताया, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, अपने समस्त पद को जो है वो इसमें अर्थ वाक्य को क्या है, समस्त शब्द को समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। जैसे और आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद में क्या है, अपने समास के भेद, यानी कि समास, संस्कृत भाषा में समास के कितने भेद हैं। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं। मुख्य रूप से कितने भेद हैं दोस्तों, चार भेद हैं, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से कितने भेद हैं, चार भेद हैं, ठीक है। समास में प्राय दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कौन कौन से पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पद का अर्थ पदार्थ होता है, और पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पदार्थ होता है, ठीक है ना। यानी कि पद का अर्थ पदार्थ होता है, और समास में कितने पद होते हैं, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी कि जिस पदार्थ की या पद की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप समास की संज्ञा भी होती है। यानी कि जिस पदार्थ की प्रधानता होगी उसी के ऊपर क्या होगी दोस्तों, समास की, उसी के अनुरूप समास की क्या होगी, संज्ञा भी होगी। जैसे कि प्राय पूर्व पद प्रधान किसका होता है, जैसे कि पूर्व पद प्रधान हो गया अव्यय भाव का, अव्यय भाव समास जो है उसका हमारा कौन सा पद प्रधान हो गया, पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान जिसका होता है उस समास को हम अव्यय भाव समास भी कहते हैं। और उत्तर पद, उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद जिस समास का प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। उत्तर पद यानी कि उत्तर, उत्तर पदार्थ यानी कि उत्तर पद जिसका प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया, इसके आगे चलते हैं। तत्पुरुष के भेद भी है दो है, कर्मधार भी है और कौन सा है, विभु है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि तत्पुरुष के दो भेद है, कर्मधार और विभु। तत्पुरुष समास के कितने भेद है दोस्तों, कर्मधार भी होता है और द्विगु भी होता है। प्राय इसमें कौन सा मतलब अन्य पद प्रधान जिस समास में हो उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुव्रीय। यानी कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको मतलब तत्पुरुष, और जिसमें अन्य पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों हम, अन्य पद प्रधान हो उसको कौन सा कहेंगे, बहुव्रीय। और जिसका उभय पद प्रधान होता है उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों।
यानी कि जिसका उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान वाले को बहुव्रीय, यानी कि कोई तीसरा आकर के और प्रधानता ले जाता हो, और जिसका उभय पद प्रधान हो उसे हम कौन सा कहेंगे, द्वंद समास कहते हैं। इस प्रकार से समास के सामान्यतः कितने वेद हैं, 6 वेद। समास के हमारे कितने वेद हैं सामान्यतः, 6 वेद, तो वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, समास के हमारे 6 वेद हैं। कौन कौन सा है, पहला अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुव्रीहि और छठा द्वंद। और हम मतलब और भी लगा सकते हैं, मतलब केवल समास भी हमारा ही वेद होता है, ठीक है ना दोस्तों। एक और वेद लिख लेते हैं इसमें, केवल समास। तो हमारे समास के कितने वेद हो गए, 7 वेद हो गए, ठीक है ना। तो इसमें केवल समास और लिख लेते हैं, केवल केवल समास, ठीक है ना दोस्तों। ये 7वां भी अपन जोड़ सकते हैं। अपने जो अपन जो पढ़ेंगे उसमें अव्यय भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समासों की और इनकी जानकारी, द्विगु समासों की, द्वंद समास की इनकी जानकारी हम करेंगे, जिसमें हम कर्मधारय और द्विगु समास को हम तत्पुरुष समास में ही पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम पहला जो हमारा समास है अव्यय भाव समास, उसकी जानकारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।